तो आज हम EVS में चैप्टर 9 में आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? न्यू प्लेस। सैरीज फादर रिसीव अ लेटर फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी कि सैरी के फादर को एक ऑफिस में से, यानी कि उनकी ऑफिस में से एक लेटर मिला है। द लेटर सेड दैट ही वॉज बीइंग प्रमोटेड एंड वुड हैव टू मूव टू अनदर सिटी, यानी कि उनकी ऑफिस में से सैरी के फादर को एक लेटर मिला है जिसमें लिखा है कि उनका प्रमोटेड हुआ है, यानी कि उनकी तरक्की हुई है और उनको दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र होना है। तो प्रमोटेड यानी कि तरक्की, तरक्की यानी कि ऑफिस में हम जो वर्क करते हैं उसमें आगे बढ़ना, तो उसकी वजह से हमें सैलरी भी बढ़ती है, फिर हमें काम में प्रमोट यानी कि तरक्की मिलती है और कोई दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र भी हो सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रमोटेड यानी कि तरक्की। तो देखिए हमें यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि कैसे सैरी के फादर को प्रमोट हुआ है यानी कि तरक्की हुई है, तो कैसे सब लोग फैमिली में खुश है, तो ऐसे हमें क्वेश्चन दिए है। चलो आओ देखते क्या लिखा है। व्हेन सैरीज फादर शो द लेटर टू हिज फैमिली, हाउ डू यू थिंक द डिफरेंट मेंबर वुड हैव फेल्ट, यानी कि सैरी के फादर को वो जो लेटर मिला है उन्होंने अपनी फैमिली को वो लेटर पढ़ के सुनाया और आपको सोचना है कि क्या उनकी फैमिली में क्या डिफरेंट यानी कि क्या चेंजेस आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें जैसे कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि सैरी के फादर को प्रमोट यानी कि तरक्की हुई है, तो वो कैसे सामान बांध के अनदर सिटी में ट्रांसफ़र होना है, तो हम उसका आंसर क्या लिख सकते हैं? एवरीवन इन द फैमिली फेल्ट वेरी हैप्पी, यानी कि उनका प्रमोशन हुआ है तो इसीलिए उनकी फैमिली में सब लोग खुश है। अबाउट द प्रमोशन ऑफ सैरीज फादर मूविंग टू अ न्यू टाउन एक्सिस सैरी, बट सैरीज फादर मदर एंड ग्रैंड पेरेंट्स वेर वरीड अबाउट मेकिंग अरेंजमेंट टू शिफ्ट टू द न्यू टाउन, यानी कि यहाँ पे हमें कहना है कि उस आंसर में कि जे सैरी को फादर को जो प्रमोशन हुआ है उसकी वजह से उनको दूसरी सिटी में जाना है, और मगर उनके जो मदर एंड फादर है वो दूसरी सिटी में नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनका गांव यानी कि उनको अपनी जगह में रहना बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसीलिए जो सैरी के फादर के मम्मी और पापा है वो नहीं जा रहे अदर सिटी में और बाकी सब उनके साथ दूसरे टाउन में यानी कि दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र होने जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते क्या क्वेश्चन दिया है। व्हाट विल चेंज इन सैरीज फैमिली आफ्टर हिज फादर्स ट्रांसफ़र फॉर एग्जाम्पल, यानी कि उनकी फैमिली में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हमें यहाँ पे दिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है वो फ्रॉम सैरीज फैमिली विल लिव विथ हिज फादर एट द न्यू प्लेस, विच स्कूल विल सैरीज गो टू नाउ, विल ही हैव न्यू फ्रेंड, यानी कि जो सैरीज के फादर को प्रमोशन हुआ है तो उसकी वजह से उनकी फैमिली में कौन कौन उनके साथ अनदर सिटी में यानी कि उनके साथ कौन कौन जाएगा, और जो सैरी है वो कौन सी नई स्कूल में जाएगी या फिर कौन कौन सी नई फ्रेंड बनाएगी, तो हम आंसर क्या लिखेंगे? सैरीज हिज सिस्टर, सैरी हिज सिस्टर एंड हिज ब्रदर विल लिव विथ हर विथ हिज फादर एट द न्यू प्लेस, यानी कि उनके फादर के साथ सैरी, उसकी बहन और उसका भाई भी और उसकी मदर भी उनके साथ न्यू प्लेस में जाएगी। सैरीज विल नाउ गो टू अ न्यू स्कूल, यानी कि वो सैरी फिर नई स्कूल में जाएगी। येस इन द न्यू स्कूल सैरीज विल गेट हैव न्यू फ्रेंड, यानी कि फिर वो अपने नए नए फ्रेंड्स बनाएगी। हैज एनीबडी इन योर फैमिली मूव टू अ न्यू प्लेस बिकॉज ऑफ वर्क, यानी कि क्या आपकी फैमिली में से किसी को ऐसे ही वर्क में प्रमोशन हुआ है, तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं? येस माई अंकल हैड मूव टू बेंगलोर बिकॉज ऑफ हिज वर्क, यानी कि येस मेरे अंकल को ऐसे प्रमोशन हुआ है बेंगलोर में ट्रांसफ़र होने का क्योंकि उनकी वर्क की वजह से। वॉट डू यू फेल्ट अबाउट दिस चेंज, यानी कि आप इस चेंज के बारे में क्या सोच सकते हो, तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं? अ चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वन्स लाइफ, यानी कि लाइफ में एक बार चेंज होना भी इम्पॉर्टेंट होता है। इट इज़ नेचुरल ऑल्सो, इट्स कॉमन
टू चेंज प्लेस बिकॉज ऑफ वर्क. इनफैक्ट वी शुड फील हैप्पी एज वी गेट अ चांस टू विजिट अ न्यू प्लेस. यानी कि हमारे कोई काम में ऐसे हमें तरक्की मिलती है हमारी लाइफ में, तो वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि लाइफ में एक बार ऐसे चेंज आना बहुत ज़रूरी है और उससे हमें पता चलता है कि कैसे लाइफ में चेंजेस होता है और उसमें हमें कैसे खुश रहना है और कैसे कोई और सिटी में जाके हमें कैसे सेट होना है, वो हमें लाइफ में सिखाता है. फिर नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, इज देयर एनी वन इन योर क्लास और स्कूल Who has come to your school from another place? If so, talk to him or her. यानी कि क्या आपके क्लास में कोई लड़की या फिर लड़का का ऐसे ट्रांसफ़र होके ऐसे आपके स्कूल में आया है, तो उनके साथ आपको बातचीत करके ऐसे जो क्वेश्चन दिए हैं वो शेयर करने हैं. Where has she or her come from? यानी कि वो कहाँ से या फिर कहाँ से आई है, तो हम ऐसे आंसर लिख सकते हैं He came from Punjab या फिर कोई भी और सिटी हो तो वो. What was his or her old school like? यानी कि उसकी जो ओल्ड स्कूल है वो कैसी है या फिर क्या है, वो उसके बारे में पता करके बताना है, तो हम ऐसा आंसर लिख सकते हैं His old school was so green and big, he also had a lot of friends there. यानी कि यस, जो ट्रांसफ़र होके यहाँ पे आया है उसकी जो ओल्ड स्कूल थी वो बहुत ही बड़ी थी और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी वहाँ पे थे. What does he or she find different there? यानी कि यहाँ पे बताया है कि what does he or she find different her, यानी कि उसको यहाँ पे क्या क्या different लगता है, तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं, everything here is now, here is new to him, new people, new language, new food, new friends, etc. make him feel so excited. यानी कि यस, जो नया आया है लड़की या फिर लड़का, उसको यहाँ पे सब कुछ नया लग रहा है, जैसे कि उसको लैंग्वेज भी डिफरेंट लग रही है, उसको नए पीपल भी देखने मिलते हैं, फिर उसका फूड भी चेंज हुआ है, उसके फ्रेंड्स भी चेंज हुए हैं, तो वो बहुत ही एक्साइटेड है. तो यहाँ पे क्या कहा कि जो सैरीज है उसके फादर को एक ऑफिस से लेटर मिला है, उसमें लिखा है कि आपका प्रमोशन हुआ है, यानी कि तरक्की हुई है और उसकी वजह से आपको कोई दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र होना है. तो यहाँ पे फैमिली में क्या क्या चेंजेस आते हैं या फिर क्या क्या एक्साइटेड होते हैं वो हमें यहाँ पे देखा. फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो क्या है, इट्स अ वेडिंग, देयर इज अ ग्रेट जॉय इन नज़लीज होम टुडे. यानी कि नज़ली के होम में आज बहुत ही खुशी का दिन है. हर एल्डर कज़िन ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड. यानी कि उसके एल्डर कज़िन ब्रदर है उसका गेटिंग मैरिड, यानी कि उसका मैरिज हुआ है. तो देखिए हमें यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है वो कौन है, नज़ली, और ये जो क्या है वो नई दुल्हन यानी कि ब्राइड. तो उसकी भाई की शादी हुई है तो वो क्या हुआ, ये उस नज़ली की भाभी. तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उसके एल्डर कज़िन ब्रदर की शादी हुई है, तो ये जो ब्राइड है वो क्या हुई, नज़ली की भाभी. फिर नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, तो ये है नज़ली, उसकी ये जो भाभी है जिसकी शादी हुई है, और ये है उसका कज़िन भाई जो दुल्हा बना था वो. तो यहाँ पे क्या देखा, नज़ली है, उसका भाई जिसकी शादी हुई है, और जो ब्राइड यानी कि उसकी भाभी. तो उनके फैमिली में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हमें यहाँ पे दिखना है. डू यू थिंक दैट देयर विल बी एनी चेंज इन नज़लीज फैमिली आफ्टर दिस वेडिंग, वॉट विल चेंज. यानी कि क्या आप सोच सकते हैं कि जो नज़लीज की फैमिली में जो शादी हुई है उनकी वजह से उनकी फैमिली में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो हम यहाँ पे उसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, येस थिंग्स विल चेंज इन नज़लीज फैमिली. यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे आंसर लिख के दिया है, येस थिंग्स विल चेंज इन नज़लीज फैमिली आफ्टर दिस वेडिंग, अ न्यू मेम्बर इज एडेड टू फैमिली एंड नज़ल नाउ हैज़ अ न्यू सिस्टर इन लॉ. यानी कि जो भाभी होती है उसे हम क्या कह सकते हैं, सिस्टर इन लॉ. तो यहाँ पे कहा गया है कि यस, जो नज़लीज की फैमिली है उसमें एक नया मेम्बर ऐड हुआ है और वो हमारे साथ ही रहेगी. जो उसकी भाभी है उसे क्या कहती है, सिस्टर इन लॉ. फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते क्या लिखा है, डू यू थिंक
There will be changes in the home from where the new bride has come. What kind of change? यानी कि क्या आप सोच सकते हो कि जो न्यू ब्राइड है उनकी आने की वजह से फैमिली में क्या क्या चेंजेस होते हैं? तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं? Yes, there will be change in the home from where the new bride has come here. Family members will miss her a lot at home. The family should not put more work to compensate what she was doing to her family. यानी कि यस, उसकी आने की वजह से, यानी कि उसकी भाभी की आने की वजह से घर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि वो अपने मम्मी पापा को छोड़ के यहाँ पे आई है, वो उनको बहुत ही मिस करेगी, फिर वो अपना काम भी यहाँ पे करेगी और वो अपनी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा मिस करेगी और वो यहाँ पे हमारी फैमिली को भी अपना फैमिली ही मानेगी। फिर नेक्स्ट क्या है? टॉक टू योर मदर एंड आंटी इन द फैमिली, आस्क देम अबाउट वेयर दे लिव बिफोर दे गॉट मैरिड। यानी कि यहाँ पे बताया है कि आपको अपनी मम्मी और आंटी को पूछना है कि वो मैरिड होने के पहले कहाँ पे रहती थी। तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं? दे लिव विथ देयर पेरेंट्स एंड सिबलिंग बिफोर मैरिड। यानी कि वो अपने मैरिज के पहले अपने मम्मी पापा के साथ ही रहती थी। फिर नेक्स्ट क्या है? वो वेयर द मेंबर इन देयर फैमिलीज देन, यानी कि उनके मैरिज के पहले वो जो रहते थे उनके फैमिली में कौन कौन थे। तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं? इन माई मदर्स फैमिली सी हर मदर, हर फादर एंड वन सिस्टर वन ब्रदर लिव टुगेदर बिफोर हर मैरिड। यानी कि आपको वो मम्मी को पूछ के बताना है तो मम्मी क्या आंसर बताएगी, जैसे कि हम अपने मैरिड के पहले अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे, उसमें एक हमारा भाई भी था और एक बहन भी थी। फिर नेक्स्ट क्या है? हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली बीन मैरिड रिसेंटली वो, यानी कि क्या आप बता सकते हैं कि अभी रिसेंटली, यानी कि आपके घर में किसी का, यानी कि आपकी फैमिली में किसी का अभी रिसेंटली मैरिड हुआ है और वो कौन है? तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं? यस, माई कज़िन गॉट मैरिड रिसेंटली इन माई फैमिली। यानी कि यस, मेरी कज़िन की अभी शादी हुई है। तो हमें यहाँ पे बताया न्यू प्लेस में यहाँ पे क्या था। यहाँ पे हमने देखा कि इट्स वेडिंग में जो नेजलिस थी उसके एल्डर कज़न ब्रदर की शादी थी। तो ये जो है वो नेजली है और ये जो क्या हुई ब्राइड उसकी भाभी। तो ये है नेजली, उसका भाई जिसकी शादी हुई है, और ये जो है वो ब्राइड यानी कि उसकी भाभी हुई। तो उनके आने से फैमिली में क्या क्या चेंजेस है तो वो हमने यहाँ पे देखा।